ये देखिए दोस्तों, मेरे आंवला की कैंडी न्यू स्टाइल, या इसको आप आंवले का मुरब्बा भी कह सकते हैं, लेकिन प्लीज़ इसको आप ज़रूर बनाएं और मिथिला जी की दुनिया को सब्सक्राइब करें, अपना ढेर सारा प्यार दें, वॉच टाइम थोड़ा अपना दें, मेरे वीडियो को पूरा वॉच करें, मेरी रिक्वेस्ट है। थैंक यू दोस्तों। फिर नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिला जी की दुनिया से मिथिला। इस समय बज गया दोस्तों 11:30, कल एकादशी थी, तो आज सवेरे थोड़ा सा काम ज्यादा हो जाता है, आप सभी लोग जानते हैं, त्योहार के दूसरे दिन। तो कल देखिए मैंने आंवले मंगाए थे और ये आंवले मेरे इतने बच गए हैं, बहुत थोड़े से, 3-3, 6-10, 11 आंवला है। तो इसका मैं बिल्कुल न्यू स्टाइल से आप इसको मुरब्बा बनाना बताऊंगी, आप देखिएगा, क्योंकि मुरब्बा बहुत झंझट में बनता है। आपको मालूम होगा कि आंवले का मुरब्बा हो, चाहे वो सफेद वाले पेठे का मुरब्बा हो या पपीते का मुरब्बा हो, वो झंझट से बनता है। ठीक है, चलिए हम आज बनाने बहुत ही आसान रेसिपी आपको सिखा देंगे और आज से आप 5 मुरब्बे आंवले भी मुरब्बा बना लेंगे फटाक से। अगर आपके घर में 5 बचे हुए हैं तो उससे भी आप बना लेंगे, क्योंकि मुरब्बा के लिए हमें सोचते हैं कम से कम 1 किलो मुरब्बा आंवला हो। 1 घंटे झंझट करना पड़ता है, इनके साथ बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तभी मुरब्बा बनता है। लेकिन आज आपको मैं बिल्कुल सिंपल रेसिपी बताऊंगी। ये देखिए, ये मेरा आंवला रखा हुआ, धोना पोछा रखा हुआ। अब इसको देखिए हम क्या करते हैं, देखिएगा, बस ये देखिए, ये मेरा करीब 5 आंवला है, इसको उबलने भर का हम इससे पानी डाल देते हैं और इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा नमक। नमक से आप डरिए नहीं, नमकीन नहीं होगा। नमक डाल दिया, अब इसमें ये डाल देते हैं हम ये अपने मुरब्बे। ये देखिए बहुत अच्छे से मुरब्बे हैं, अरे वो सारी आंवले हैं, अभी मुरब्बा कहाँ तैयार है, भी तो आंवला है। तो ये देखिए, अब इसको मैंने जला दिया है, इसमें लगा देंगे प्रेशर और 2-3 सीटी धीमी आग पर आएगी, फुल स्पीड पे नहीं। जैसे ही हमारी सीटी आ जाती वैसे हम गैस को कर देंगे स्लो और धीमी आग पे वो आंवला मेरा पक जाएगा। तो ये आप आज तक आंवला ऐसा नहीं बनाए होंगे जितनी आसान तरीके से मैं मुरब्बा बनाना बताऊंगी। जितनी आसान तरीके से आपकी दाल बन जाती है, चावल बन जाता है, वैसे ही मुरब्बा बनेगा। आप देखिएगा, ये इसको उबलने दीजिए, बस 5 मिनट उबलेगा, इसके बाद इसका मैं मुरब्बा बना के आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए, इधर मैंने ये सीटी इसमें 1 आ चुकी, 2 सीटियां और आनी है। इधर मैंने चढ़ा दिया कढ़ाई, तो इसमें देखिए हम 1 कप चीनी डालेंगे। देखिए 1 कप चीनी हम नाप के डालेंगे, इसमें देखिए कुछ कीड़ा वो कंकड़ पत्थर था, ये निकाल दिया मैंने। अब इससे देख लेते हैं कि और तो नहीं है, कभी कभी चीनी मार्केट के आती है तो उसको देखना पड़ता है। तो ये देखिए 1.25 कप के करीब था, मतलब फुल कप भी नहीं, आधा कप भी नहीं, थोड़ा है, 1/3 समझिए। अब इस शक्कर को हम इसमें डाल दिए, अब इसमें हम डाल देंगे पानी। दोस्तों कढ़ाई ज़्यादा गर्म हो गई थी, गैस जला दिया था, हमें ध्यान नहीं था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अब इसकी वजह से कढ़ाई ज़्यादा हो गई थी, इसलिए थोड़ा सा ये चीनी जो है लाल हो गई है, उसका फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, मैंने पहले कढ़ाई चढ़ा दिया था और चीनी उनी निकालने लगी, इसलिए मेरी चीनी गर्म हो गई थी, वो कढ़ाई गर्म हो गई थी। ये देखिए इसका पानी लाल हो गया है, लेकिन कोई चलिए, अब इसको हम 2 तार की चाशनी बना देंगे। अब गैस मैंने स्लो कर दी, मैं इसको धीमी आ कर चलाते रहेंगे। देखिए चीनी मेल्ट हो गई है, बस इसी स्टेज पे हम डाल देंगे इस पे पिसी हुई इलायची, जिससे इसकी खुशबू बढ़ जाए थोड़ा सा। अब गैस को फिर तेज कर देते हैं, देखिए इस मेरे आंवले में 2 सीटियां आ चुकी हैं, लेकिन थोड़ा मेरा प्रेशर कुकर की जो विसिल है ये जल्दी आती है, यानी हल्की है, ये वेट इसका हल्का है, तो इसमें 6-7 सीटियां आ जानी चाहिए।
अब इसमें कोई भी आपको झंझट नहीं करना पड़ेगा, आंवले को गोदना नहीं है, चूने में नहीं पकाना है, घंटा भर रखना नहीं है, फटाफट बनाइए, फटाफट सर्व कीजिए। बच्चों की जैसे कैंडी बनती है वैसे ही बनके तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, अब देखिए ये मेरी चाशनी पक रही है, इसको लगभग मुझे दो तार की चाशनी बनानी है। दो तार की चाशनी मतलब ये टपक रहा है, बूंद जो है ये जो ड्राप है ये लंबी लाइन खींचनी चाहिए। देखिए थोड़ा खींचना शुरू हुआ लेकिन टूट जाता है, टूटना नहीं चाहिए। ये ड्राप नीचे लटके तो तार जैसा लटका रहे, तो इसलिए अभी हमें इसे थोड़ा सा और पकाना है। तब तक मेरा आंवला पक चुका है, गैस को कर देते हैं बंद और इसको ठंडा होने को रखते हैं। जब पूरा प्रेशर निकल जाएगा इसके बाद हम इसे खोलेंगे। तब तक हम ये चाशनी को ही कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें मैंने पीस की थोड़ी सी इलायची डाल दी है और दूध ही नहीं डाला है। ये देखिए दोस्तों, चाशनी मेरी करीब करीब तैयार हो रही है। ये देखिए लाइन सी बन रही है, ये जो ड्राप गिर रहा है इसके साथ देखिए लाइन बन रही है, ये देखिए लंबी लाइन खींच रही है। तो ये तीन तार की चाशनी नहीं है, दो तार की चाशनी बन के तैयार है, ये देखिए। तो अब हम गैस को कर देते हैं बंद, प्रेशर कुकर खुलने के इंतजार करते हैं। दोस्तों मैं आज आपको ये बताऊं कि ये जो एकादशी होती है तो इसके दूसरे दिन द्वादशी में मेरे यहाँ का ये रिवाज है कि जैसे सिंघाड़े की सब्जी जरूर खाई जाएगी, बैंगन की सब्जी जरूर खाई जाएगी, चावल जरूर खाया जाएगा, आंवला आप चटनी के रूप में खाएं और चाहे मुरब्बे के रूप में खाएं जरूर खाएं, और चाहे जैसे हो मतलब इसका चाहे अचार बना लें आज, क्योंकि ज्यादा आंवला आता है, लंबा परिवार होता है, तो आंवले का चाहे आप अचार बनाए, चाहे आप उसका मुरब्बा बनाए, चाहे आंवले की चटनी बनाए। बिटिया सवेरे जल्दी जा रही थी मेरी, तो मैंने तुरंत ही आंवला ही रख दिया कि थोड़ा चीख लो। आंवला द्वादशी के दिन सवेरे आप आंवला का सेवन जरूर करें, इससे कहते हैं कि साल भर आपका शरीर निरोग रहता है और बहुत फल प्राप्त होता है। और एक सीधा भी निकालें जो पंडित जी को दान दे, जो आपकी श्रद्धा हो जितना हो। ये मैं हर वीडियो में एक बात बोल देती हूँ, जहाँ दान पुण्य की बात आती है वहाँ एक हमारे गांव की हमारी दादी की कहावत थी कि राजा का नहान और प्रजा का दान, सॉरी प्रजा का नहान और राजा का दान बराबर होता है। मतलब हमने गंगा जी में एक डुबकी मार ली और या मोदी जी ने बहुत सारा दान कर दिया तो सब बराबर है। मतलब ईश्वर जानता है ना कि मैंने इसको इस काबिल बनाया है तो ये मुझे इतना मंदिरों में चढ़ा रहा है, और मैंने इसको इस काबिल बनाया है कि ये गंगा ही ना पा रही है, तो सब उनकी नजरों में सम है। ये तो भेदभाव, बड़ा अमीर गरीब, ये तो सब हमने बनाया है। आप सभी लोग जानते होंगे कि दिवाली में भाई हम लोग बेसन के लड्डू देते हैं नौकरों को, काजू कतली भेजते हैं अपने बड़े बड़े अधिकारियों को, है तो क्या है इसका मतलब? हम लोग भेदभाव बनाए हैं ना, जबकि काजू कतली जिनके घर मैंने भेजा उन्होंने ऐसा डिब्बा फेंक दिया है, क्योंकि उनके यहाँ वैसे डिब्बे सैकड़ों आए हैं। और अगर हम किसी अपने नौकर को देते हैं तो बच्चे खुश हो जाएंगे कि काजू कतली या ड्राई फ्रूट या सेब संतरा फ्रूट ऐसी चीज आई है, तो बच्चे बहुत आदर से खाएंगे, घर वाले आशीर्वाद देंगे। लेकिन हम करते हैं इसका अपोजिट है, हम बड़े घरों में गिफ्ट देते हैं, सोने चांदी के गणेश देते हैं, सोने चांदी का सारा सामान देते हैं, यहाँ तक कि लोग गाड़ी मोटर गिफ्ट कर देते हैं, लेकिन जिसको जरूरत है उसे हम 10 रुपए नहीं देना चाहते। ये तो हमने बना रखा है, भगवान ने नहीं बनाया। उनके यहाँ हम आप सब बराबर है, आप बड़े हो मैं छोटी हूँ सब बराबर है। तो हमको भी इसी भावना के साथ जीना चाहिए, जो ईश्वर ने मुझे बना के जमीन पर फेंका था कूट कूट के भर के, उसको तो मैंने यहाँ खत्म किया है, उन्होंने नहीं खत्म किया, तो मुझे उसी भावना के अनुसार चलना चाहिए। और मेरा निवेदन है कि आप लोग भी ऐसे ही चले, डाउन टू अर्थ, समझ लीजिए जो कुछ है उन्होंने दिया है, परम पिता परमात्मा ने दिया है, और ईश्वर से प्रार्थना है कि आप हमारे बच्चे हो, सभी लोग खुश हो। और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, देखिए थोड़ा स्वार्थ मुझे भी है, है? तो चलिए दिखाते हैं। अब ये देखिए ये मेरा आंवला पक चुका है ये, और तो इसको हम ये देखिए फूल के कितना बड़ा बड़ा हो गया है। पुजारी को बुलवाओ, किसी का पुजारी को बुलवाओ, क्या करूं, बुलवाओ क्यों नहीं करता ही, तो दे देना मेरी बहन ने मैजिक बनना याद था। हाँ तो देख लो जैसा हो उस लड़के बुला के उसी को देना, गरीब आदमी है उसी दे देना, पंडित जी को देने की इससे कोई मतलब नहीं। पंडित जी बड़े आदमी है, 1 लाख तनख्वाह पाते हैं।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे आंवले हैं, ये देखिए, और ये आंवले का पानी है। तो इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसको सब्जी में इस्तेमाल कर लेंगे, या आप ऐसे पीना चाहें तो पी लें। आंवला बहुत ही फायदेमंद होता है, इसको अमृत फल भी बोलते हैं, जीवनदायिनी फल है। तो इसको हम इस पानी को फेंकेंगे नहीं, इसको रख लेते हैं ढक के। कुछ भी इसको, दाल बने, चावल बने, कुछ भी बने, इसको डालिए या ऐसे ही पी लीजिए। तो अब ये आंवला देखिए ठंडा होने का इंतजार करते हैं, धुलेंगे नहीं, थोड़ा ठंडा हो जाए, हाथ से छूने वाला हो जाए। अब देखिए ये मेरे आंवले ठंडे हो गए हैं। अब इसको हम ये लेंगे मूसल, जिससे हम कूटते हैं इमाम दस्ते वाला, उल्टा साइड से, सीधा से नहीं, इसको उल्टा साइड से। ये देखिए जहाँ तोड़ा जाता है, ये यहाँ से तोड़ा जाता है, इसको आप निकाल दीजिए। ये सब में हम निकाल देते हैं, ये गाढ़ सा है ना, तो इधर से हम इसको ऐसे दबा देंगे। थोड़ा सा दबाइए बस, जैसे आप थोड़ा दबाएंगे, ये देखिए सारे हम दबा रहे हैं, और ये जहाँ तोड़ा जाता है इसको आप निकाल दीजिएगा। ये जिधर से तोड़ा जाता है उधर ही दबाओगे आप, याद रखिएगा। ये एक इसकी टिप्स है, ये ध्यान रखिएगा, जिधर से आपने तोड़ा है, मतलब ये देखिए ये जहाँ बना हुआ है इसको आप निकाल दीजिए, और यहाँ से ऐसे हल्का सा प्रेस कीजिए, सीधी तरफ से नहीं, उल्टी तरफ से। आप इसको अलग करिए और इसको आप देखिए, बस इसको आप धीमे से सीधा करिए। ये देखिए चारों गांठें निकल गई, और इस बीज को हम अलग रख देंगे। इसे बाल बाल भी धोया जाता है, रीठा उठा यही होता है, रीठा ओला मिला के आप इन गुठलियों को नहीं उबाल लें और इससे बाल धो लें। बाल हमेशा ब्लैक रहते हैं, पहले हम लोग बचपन में बहुत धुलते थे, अब तो सब ओला शैम्पू, सब शैम्पू आ गए। फ्रेंड्स देखिए कितनी अच्छी अच्छी फाके बन रही हैं ये। तो बस देखिए बिना किसी मेहनत के, अब आप कहोगे आंवला तो ऐसे नहीं, वो मुरब्बा तो ऐसे नहीं बनता। सही बात भी है, मुरब्बा ऐसे नहीं बनाया जाता, लेकिन ये मुरब्बा ही है और बहुत इजी एंड क्विक रेसिपी है। आप ऐसे बनाइए, चीज वही है, खाने में वही टेस्ट, और बनाने में बेहद आसान। खाने में वही टेस्ट लेकिन बनाने में आसान। तो इसको हम हमेशा ऐसे ही बना लेते हैं, और ये खाने में बहुत अच्छा लगता है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। जैसे एक मुरब्बा पूरा पूरा आंवला होता है, कलमी वाला, वो आप खा ही नहीं पाओगे, इतना बड़ा सा होता है। फिर भी ये भी देसी नहीं है फ्रेंड्स, ये देखिए इसको हम थोड़ा सा अलग कर लेंगे। ये देखिए सब अलग हो गया, बीज हमने अलग कर दिए। ये देखिए तो ये कैसा लग रहा है आपको, ऐसे ही देखने में बड़ा अच्छा लगता है। ये बेहद सुंदर लग रहा होगा। तो अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की ओर। अब गैस मैंने बंद कर दी थी, थोड़ा सा गैस को जला देते हैं। ये देखिए अब थोड़ा गर्म करते हैं इसको, ठंडे में नहीं डालेंगे, जरा सा गर्म हो जाए। अब इसके बाद देखिए ये जो आंवले हैं हमारे, इनको हम जो अभी जुड़े हुए एक दो हैं इनको अलग कर लेते हैं। हर फाक अलग होनी चाहिए, अगर कुछ जुड़ी है तो आप अलग कर लीजिए। और ये देख लीजिए कितना टाइम लगा इसको बनाने में। ये आप इसको ऐसे ही सिम पर रखते जाएंगे, देख लिया कितनी जल्दी आंवला बनके तैयार हो गया। बहुत ही जल्दी और बहुत अच्छी रेसिपी बनके तैयार हो गई है। नतीजे दिखाओ तो बड़ा बड़ा फॉर्म दिखेगा। हाँ पकड़े बना, ये देखिए ये फ्रेंड्स कैसा लग रहा है आपको। अब ये चीनी जो है ये इजी एंड क्विक रेसिपी, आप तुरंत बनाइए अगर आपने मंगाया हो एकादशी में आंवला, तो नहीं भी मंगाया तो भी मंगा लीजिए। ये देखिए अच्छा, चाहे तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, देखिए ऐसे भी उठा कर रख लीजिए। इसमें इस चीनी की चाशनी में ये भीगे रहेंगे तो बहुत अच्छे मज़ा देते हैं सवेरे खाने में, रसगुल्ला वाला स्वाद आता है।
और छोटे छोटे पीस है, इसलिए अगर आप चाहते हैं तो इनको सुखा भी लेंगे, सुखा के आप रैप करके रख लें। ये एक एक पीस नहीं, एक एक पीस आप रैप कर लीजिए बच्चों की टाफी टाइप का। करीब करीब मुरब्बा तैयार हो चुका है। अब मैंने बताया कि अगर आप चाहो तो ऐसे ही आप कांच के जार में भर के गीला गीला ही रख लो, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ऐसे ही बना कर रख लीजिए। इलायची पाउडर मैंने डाला है तो उसकी वजह से इसे महक भी आ रही है, और कोई मसाले डालने की इसकी ज़रूरत नहीं है। अब ये देखिए इसमें से हम थोड़ा सा किशमिश डाल देते हैं। आप चाहें तो आप किशमिश भी डाल सकते हैं, बादाम भी डाल सकते हैं, मतलब ये बादाम समूचे भी डाल दूंगी। इसमें देखिए पिघल जाएंगे। काजू डाल दीजिए, ये तो और भी आपका रिच हो जाएगा। देखिए काजू थोड़ा सा कूट देते हैं, ये काजू इसलिए कूट दिया है दोस्तों ना, काजू में अक्सर जब बीच में फोड़ो ना तो कीड़े रहते हैं, कभी कभी घुन रहता है, कीड़े रहते हैं, इसलिए मैंने सब फोड़ के डाल देते हैं। देखिए एक भी निकल नहीं, नहीं नहीं है, लेकिन फिर भी आप फोड़ के ही डालें। इतना मैंने डाल दिया, काजू है, किशमिश है, किशमिश भी इसकी बहुत अच्छी लगती है, बादाम भी बहुत अच्छे लगते हैं। आप चाहें तो डालें, ये आपकी चॉइस है, मन हो आप डालिए और मन हो तो मत डालिए। तो अब आप लोग देखिए, आपको अगर ऐसे ही रखना है, ऐसे ही रखें तो ऐसे ही रख लें, है, और अगर नहीं तो थोड़ा सा और सुखा देते। कितनी जल्दी बन गया ना, एक दिन लगा ना दो दिन लगा। ऐसे देखिए हम लोग पेठा बनाते हैं, इसका बनाते हैं, ये आंवले का मुरब्बा बनाते हैं, पहले उसको गोदो, चाकू से थोक से गोदा जाता है, बड़ी मेहनत पड़ती है इसको गोदने में, क्योंकि हाथ में लग भी जाता है। तो कद्दू तो फिर भी ठीक होता है, थोड़ा मुलायम होता है, लेकिन ये बड़ा टाइट होता है, तो कई बार ये हाथों में लग जाता है। जैसे चाकू या फोक से या सूजे से गोदना शुरू किया तो हमेशा छटक जाता है, अक्सर हाथों में लग जाता है। अब कुछ और चीज़ें आती हैं गोदने के लिए तो फ्रेंड्स मुझे मालूम नहीं है। तो तब से मैंने ये इस तरीके से बनाना शुरू किया, हमें लगा कि ये तरीका मेरा ज़्यादा अच्छा है, मेरा हाथ भी नहीं गुदेगा और हमें उससे ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है। चाहो तो आप इसको सीधा में भर के रखो जैसे वो रखा जाता है मुरब्बा, और नहीं तो ये देखिए आप इसी स्टाइल से बना लीजिए। तो अब हमारा आंवले का मुरब्बा बन के रेडी है। अब ये बताइए आपको ये डिश कैसी लग रही है, अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिथिला जी की दुआ, प्लीज़ देख लीजिए दोस्तों। बहुत अब इसको हम बंद कर देते हैं गैस को, अब हम ऐसा ही रखेंगे। ये आपको कैसा लग रहा है आप बताइए। ये हमें तो भैया दोस्तों बड़ा पसंद है, मैं अक्सर ऐसे ही बना के रखती हूँ। इस समय आंवला खूब आ रहा है तो आप ऐसे मुरब्बा बना लें, या चाहे तो आप अचार बनाए, मैं अचार भी बनाना आपको सिखाऊंगी, अगर जरूरत हो तो बताइएगा, बिल्कुल न्यू स्टाइल का अचार बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए ये हमारी द्वादशी की रेसिपी है, इसको हम सर्व करते हैं। बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट। अब ये जरा सा सूख जाएगा ना तो ये जो एक एक पीस है इसको मैं सिल्वर फाइल के उसमें लपेट के रख दूंगी, एज ये आंवला कैंडी। अगर कैंडी बनाना आप जानना चाहते हो तो बताइएगा, मैं कैंडी बनाना भी आपको बताऊंगी। तो दोस्तों ये रेसिपी अगर पसंद आई हो तो आप मिथिला जी की दुनिया को सब्सक्राइब करें। कई दोस्तों मुझसे, कई फ्रेंड्स पूछते हैं कि आंटी आपका चैनल मोनेटाइज हो गया। मैं सबसे कहती हूँ कि नहीं, अभी तो नहीं हुआ है, लेकिन फ्रेंड्स आज मुझे पता चला है कि मेरे कुल मिला के 8000 घंटे हो गए थे, लेकिन बीच में मेरा एक साल पूरा नहीं हुआ और कुछ प्राइवेट प्रॉब्लम की वजह से मैंने बनाना बंद कर दिया वीडियो, तो मेरे सारे कट गए, अब 1700 रह गए। यह तो मेरी समझ में यूट्यूब की बात नहीं आई है, बड़ी मेहनत से मतलब हमें इतने घंटे प्राप्त हुए थे वो सब कट गए हैं, तो ये तो गलत बात है। लेकिन चलिए उन लोगों के अपना रूल है, मेरे कहने से थोड़ी बदल जाएगा। तो दोस्तों ये रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ देखिए, सूख गए सारे के सारे। अगर आप चाहें ना तो इनको यूनिरैप पेपर में, यूनिरैप में नहीं, इससे कागज़ में चिपक जाएंगे, या तो बिल्कुल सूखा के लपेटिए, या इसको ऐसा करिए कि आप सिल्वर फाइल में
एक एक पीस इसका लपेट के रख लीजिए फ्रिज में पैक करके, बच्चों को खाने के लिए बहुत मजेदार रेसिपी, और आप भी खाइए और जरा आप बताइएगा मिथिला जी की दुनिया की ये रेसिपी आपको कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी तरह से फिर से वॉच टाइम बढ़ा दीजिए दोस्तों। ये देखिए, एक ख्वाहिश है मेरी कि मेरा भी मोनोटाइज हो जाता चैनल, और कोई बात नहीं है। ये देखिए, तो ये रेसिपी आपको पसंद आ रही है। ये देखिए, ये मेरे आंवले के टुकड़े हैं, ये देखिए ठंडे हो रहे हैं धीरे धीरे करके। तो एक चीज और मैं आपको बता दूं, मेरी गलती से, ये मेरी गलती ये थी कि मेरी कढ़ाई देर तक चढ़ी रही थोड़ा सा, वरना ये बिल्कुल व्हाइट व्हाइट तैयार होते, शुगर मेरी पीली पड़ गई थी, नहीं तो ये बिल्कुल सफेद तैयार होते हैं।